दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आप अपनी फोटो किसी भी हीरो हीरोइन के साथ जिसके भी आप फैन हो कैसे जोड़ सकते हैं, वो भी प्रोफेशनल ढंग से। सही है। तो मैं हूं धनवीर और आपकी मेरी वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे कैसे आप फोटो को जोड़ सकते हैं हीरोइन के साथ। जैसे कि आप देख सकते होंगे ये मैं स्क्रीन पे, ये मेरी सिंपल फोटो है और अब जाके ये फोटो कैसे बन गई है। सही। तो जैसे मैं काजल जी के साथ या अक्षय कुमार जी के साथ अपनी फोटो जोड़ता हूँ तो कैसे बनाते हैं, चलो सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे और अपना वीडियो का जो फोटो का बैकग्राउंड चेंज करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे रिमूव बीजी। ठीक है, ये जो लिखा आ रहा रिमूव बीजी, ठीक है, इसमें हम अपना जो फ़ोटो खींच रखी होगी हमने उस वीडियो फोटो का हम जो है तो बैकग्राउंड चेंज करेंगे। सही है, इसमें हम अपनी फ़ोटो वो कर देते हैं। सही है। अब इनमें यहाँ से आप अपनी फ़ोटो चूज कर दीजिए। सही, जो आपने फ़ोटो खींच रखी होगी। तो ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं मैं इनमें से एक फ़ोटो चूज कर लेता हूँ। सही है, ये फ़ोटो है। तो इसमें से आप वैसे सिंगल कोड कलर में रखना चाहेंगे तो आपका मर्जी है। और आपका आप अगर पीछे अगर कोई अपनी पसंद का बैकग्राउंड रखना चाहते हैं, जैसे होटल रूम का या अपना घर का या कहीं एयरपोर्ट का या किधर का भी हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रीन स्क्रीन में ये बैकग्राउंड आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ग्रीन स्क्रीन। ठीक है, ये हम डाउनलोड कर लेंगे। सही है। तो दोस्तों ये मैंने पहले से नोट कर रखा है और ऐसे आपने सेम किसी और का, जैसे आपका जो भी चाहने वाला होगा हीरो हीरोइन, उसका भी सेम स्क्रीन में करना पड़ेगा। ठीक है, सेम उसमें। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना पिक्सल लैब पे जाएंगे। पिक्सल लैब एप्लीकेशन है एक, इसको आप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। इसमें हम जाएंगे। सही है, और यहाँ पर एक रिसीव सेलेक्ट कर देंगे। सही है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम गैलरी में जाएंगे। सही है, और गैलरी से हम वो फ़ोटो को सेलेक्ट कर देंगे। तो जैसे हमारी ये फ़ोटो है, इस फ़ोटो को हम इसे थोड़ा क्रॉप कर लेंगे। सही है, और यहाँ पर हम ओके कर देंगे। सही है फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पर इसको फिक्स कर लेते हैं। सही है, और ये पिक्सल लैग जो आपको आपने जिसके लिए भी बनाना है, इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए, तो उस हिसाब का आप इसमें रेशियो चेंज कर लें, वो कर लेना, इमेज साइज कर लेना। ठीक है, ये हम कर देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर हम जो भी आपकी दूसरी फ़ोटो कर रखी होगी, ठीक है, जैसे कि कोई हीरो हो या हीरोइन हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम फिर से गैलरी में जाएंगे और गैलरी से हम फ़ोटो चूज कर लेंगे। जैसे हम फ़ोटो चूज कर लेते हैं फिर से, जैसे कि हम क्या बोलते हैं, इनका नाम काजल अग्रवाल जी का यहाँ से कर लेते हैं। सही है, तो ये हम यहाँ से इसको ऐसे कर लेंगे। सही है, अगर आप इतना, सही है, ये यहाँ पर ये कलर मर्ज हो गया है। सही है, ये यहाँ पर हो गया, वो से आप अपने हिसाब से बिठा लेना। मैं तो अभी आपको वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए करके आपको दिखा रहा हूँ, तो आप जो भी इसमें पार्ट कट फिट आ रहा वो उसको आप एडजस्ट कर लेना। सही है फ्रेंड्स। तो आप इस तरह से ये कर लेना। उसके बाद आप क्या करेंगे कि इसको सेव कर लेंगे। सही है, ये हमारी गैलरी में सेव हो गई। अब हम क्या करेंगे, काइन मास्टर ओपन करेंगे। काइन मास्टर जब ओपन करेंगे, सही है, हमारा काइन मास्टर ओपन हो गया है। सही है, तो इसमें आप पीछे एक बैकग्राउंड रख लेना, जो भी आपको जो जहाँ का बैकग्राउंड आपको अच्छा लगता है वो बैकग्राउंड आप वो कर लेना। सही है, तो
जैसे कि मेरे पास, मैं कोई बैकग्राउंड रख लेता हूँ इधर, ठीक है। जैसे कि मान लेता हूँ मैं इधर एक होटल का, 5 स्टार होटल का एक रूम का बैकग्राउंड रख लेता हूँ, ठीक है, एग्जांपल के लिए। ठीक है, यहाँ पर जाएंगे और आप यहाँ पर लेयर पे जाएंगे, लेयर से हम वो फोटो को वो करेंगे, ओके करेंगे ये, ठीक है, ये फोटो को ओके करेंगे और यहाँ पर आप बराबर इसकी उसमें बिठा दीजिए जितना भी इसका साइज है, ठीक है। तो आप मेरे साथ तो कोई फोटो शूट करने वाला नहीं था, इसलिए करके इसने अच्छा फोटो भी नहीं खींच पाई मैं अपनी, और यहाँ पर, ठीक है। तो आप लेकिन आप जितनी अच्छी फोटो करेंगे उतने अच्छे आप वो कर सकते हैं, सही है। आप यहाँ पर ये इस फोटो को बराबर एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप क्रोमा की में जाएंगे और इसको इनेबल कर देंगे, सही है, और इसको आप बराबर वो कर दीजिए, सही है। तो ये इस तरह से आपकी क्रोमा की अप्लाई करेंगे और यहाँ से ओके करके ये आपकी फ़ोटो बन गई है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारी फ़ोटो बन के रेडी हो गई है। अब इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये कैप्चा का ऑप्शन ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर जाएंगे यहाँ पर और कैप्चर एंड सेव पे इसको क्लिक कर देंगे और अब हमारी ये फ़ोटो बन के तैयार हो गई है, ठीक है। तो ऐसे ही आप जिसके भी साथ ऐसा करना चाहते हैं, जिसके साथ फ़ोटो जोड़ना चाहते हैं, वैसे आप फोटो जोड़ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हमारी फोटो बन के रेडी हो गई है, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना।